जातीय जनगणना का सवाल एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में घूमने लगा है। विपक्ष में शामिल कई दलों के साथ साथ एनडीए खेमे भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठ रही है। ये सियासत की एक ऐसी नब्ज है जिसके बिना राजनीति चल नहीं सकती। फिर ऐसा क्या है कि देश में 90 साल पुरानी जाति जनगणना ही चली आ रही है? राजनीति करना सबको जाति के आधार पर ही है, लेकिन इस जनगणना को कराने में हिचक भी है। इस बार फिर क्यों ये मांग जोर पकड़ रही है? क्या है केंद्र सरकार का इरादा? क्या है इसमें पेच? आइए समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास पर जातीय जनगणना की मांग पर होने वाली बैठक खत्म हो गई। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के 10 दलों के 11 बड़े नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने मीडिया से बात की। नीतीश कुमार ने कहा, सभी लोगों ने एक साथ जातीय जनगणना की मांग की है। पीएम मोदी ने हम सभी की बात ध्यान से सुनी। हमने पीएम से इस पर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। हमने उन्हें बताया कि कैसे जातिगत जनगणना पर राज्य विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया है। पीएम मोदी ने हमारी बात खारिज नहीं की। उम्मीद है कि पीएम हमारी बात पर गौर करेंगे। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है। सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना। और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जातीय जनगणना से देश को फायदा होगा। मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि देश में कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन के बाद पता चला कि देश में हजारों जातियां हैं। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। ये डेलीगेशन जो मिला है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। देश हित के मुद्दों पर हम विपक्ष के तौर पर हमेशा सरकार का समर्थन करते आए हैं। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, हमने प्रधानमंत्री से कहा कि हर हालत में जातिगत जनगणना कराएं, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बात सुनी है, इसलिए हमें लगता है कि जल्द ही कोई निर्णय होगा। स्पष्ट है, ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तब पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और ये डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा? इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम सभी एक साथ हैं। जब कोई भी देश हित का मुद्दा होता है तो हम सरकार के साथ होते हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल से जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर 2-2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन केंद्र फिलहाल इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कह रहे हैं कि ये समय की मांग है और केंद्र को इसमें देर नहीं करनी चाहिए।
नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की मांग ऐसे वक्त उठाई है जब बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की गतिविधियां तेज हैं। राम मंदिर, CAA, 370 जैसे कई मसलों पर बीजेपी से अलग राय रखने के बावजूद नीतीश कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जातीय जनगणना में बीजेपी पर प्रेशर बनाने का उन्हें बड़ा स्कोप नजर आ रहा है। भले ही इस जनगणना से पिछड़ों की वास्तविक स्थिति पता कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात की जा रही हो, लेकिन बिहार के राजनीतिक हालात को देखें तो JDU को RJD से पिछड़ने का डर सता रहा है, क्योंकि पिछड़ों की सियासत करने वाली RJD इस मसले पर शुरू से मुखर है। नीतीश ने भले ही अति पिछड़ों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बीजेपी ही नजर आई। पिछले 2 दशकों से सियासत में OBC का दबदबा बढ़ा है। बिहार में OBC के बीच RJD का प्रभाव अच्छा खासा रहा है। नीतीश के लिए जातीय जनगणना की मांग उठाना राजनीतिक मजबूरी भी है। सेंसस ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे, तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा। बीजेपी को छोड़कर धीरे धीरे जातीय राजनीति करने वाले सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हो रहे हैं। 2022 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए जातीय जनगणना का कार्ड खेल दिया है। अखिलेश यादव ने संसद में इसकी मांग उठाते हुए कह दिया कि अगर बीजेपी जातियों की गिनती नहीं करती तो ये पिछड़ों की जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दें। वहीं मायावती भी इस मसले पर पीछे नहीं रहना चाहती। मायावती ने कहा कि OBC समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से करती आ रही है। अभी भी बसपा की यही मांग है कि इस मसले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बसपा इसका समर्थन जरूर करेगी। RJD नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर अपने खर्च पर यह जनगणना करा सकती है। इस पर JDU RJD के साथ है। जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा, तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात खर्चे की जहाँ तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है ST का, SC का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं। तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। दरअसल 2015 में सिद्धरमैया की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे सियासी गलियारों में जाति जनगणना का नाम दिया गया था। लेकिन सर्वेक्षण के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। ये सर्वेक्षण राज्य सरकार ने अपने स्तर पर करवाया था और इसके लिए 162 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मगर सिद्धरमैया से लेकर कुमार स्वामी और येदुरप्पा तक की सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में रखा। 2023 में कर्नाटक चुनाव से पहले बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बनी नई सरकार के सामने भी जल्द ही ये मुद्दा आ सकता है।
ओबीसी कार्ड खेलने में बीजेपी पीछे नहीं। हाल ही में केंद्र ने मेडिकल एजुकेशन में 10% आर्थिक पिछड़ों के साथ साथ 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी। तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी से ही है, लेकिन सरकार फिलहाल जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं। पिछले दिनों लोकसभा में एक सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि 2021 की जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गणना कराई जाएगी, जातीय जनगणना नहीं। दरअसल बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी है। हिंदुत्व का मतलब पूरा हिंदू समाज है। अगर जाति के नाम पर वो विभाजित हो जाता है तो जाति की राजनीति करने वाले दलों का प्रभाव बढ़ जाएगा और बीजेपी को नुकसान होगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जातीय जनगणना के मसले पर संघ की स्थिति भी यही है। संघ को भी बीजेपी के लिए एकजुट हिंदू समुदाय वाली स्थिति ही ज्यादा सूट करती है। 2015 में बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा करने वाले बयान पर खूब सियासी बवाल मचा था। संघ प्रमुख के बयान पर बीजेपी को बार बार सफाई देनी पड़ी थी कि आरक्षण खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है। बाद में मोहन भागवत को भी इसी स्टैंड का सपोर्ट करना पड़ा था कि आरक्षण से छेड़छाड़ के पक्षधर नहीं है। आज जिस तरह बीजेपी के सहयोगी आरपीआई, हम और जेडीयू जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वही हालत 10 साल पहले कांग्रेस की थी, जब यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में पवार, लालू और मुलायम ने इसके लिए दबाव डाला था और सरकार को जातीय जनगणना करवानी पड़ी थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं की गई थी। साल 2016 मोदी सरकार में जनगणना के आंकड़े प्रकाशित तो किए गए, लेकिन जनगणना आधार पर डेटा जारी नहीं किया गया। दरअसल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी कभी नहीं चाहती कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। ऐसा हुआ तो क्षेत्रीय राजनीति करने वाले जाति आधारित दलों का प्रभुत्व और बढ़ जाएगा और केंद्रीय पार्टियों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज भले ही बीजेपी संसद में इस तरह के जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ और रख रही हो, लेकिन 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा था, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि नई जनगणना में ओबीसी का डेटा भी एकत्रित किया जाएगा। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा थे। तब देश की आबादी 30 करोड़ के करीब थी। अब तक उसी आधार पर अनुमान लगाया जाता रहा है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। 1951 में जाति जनगणना के प्रस्ताव को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। आजाद भारत में 1951 से 2011 तक की हर जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े ही जारी किए गए। मंडल आयोग ने भी 1931 आंकड़ों पर यही अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। आज भी उसी आधार पर देश में आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके तहत ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15%, तो अनुसूचित जनजाति को 5.5% आरक्षण मिलता है। देश में जनगणना का काम हर 10 साल में होता है। 2011 की जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहले चरण में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच देश भर में घरों की गिनती हुई। वहीं दूसरे चरणों में 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक ये चली। इसी तर्ज पर 2020 में ही जनगणना का काम शुरू किया जाना था, जिसे कोविड महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया। 2021 का आधा साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक देश में जनगणना का काम धरातल पर शुरू नहीं हो सका। ये जब भी शुरू होगा, सरकार साफ कर चुकी है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातिगत जनसंख्या गणना नहीं होगी। 10 साल पहले भी जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस हुई थी, आज 10 साल बाद भी वही एपिसोड दोहराया जा रहा है। अब देखना है कि इस बार कहानी आगे बढ़ती है या फिर से या पुराने मोड़ पर ही अगले 10 साल के लिए खत्म होती है। Thank you.
डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। खास प्रोग्राम सियासी गलियारे में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।